मेहरबानी सर। नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, ये समझती है
कि जब तक तमाम मेहनत कर इकट्ठे नहीं हो जाते इस इस्तेसाली निजाम इस जबर और इस जुल्म के खिलाफ जब तक मनाज़म जिद्दोजहद नहीं करते उस वक्त तक इस इस्तेसाली निजाम से छुटकारा मुमकिन नहीं। इसके बाद मैं पीएनएसओ कॉलेज यूनिट के थी कॉलेज यूनिट के रहनुमा यहाँ से दारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आए और अपने मंजर वीरान गलियां बाजार बंद है कहाँ की खुशियाँ ये कैसी देश है तो मेरा लहू लहू है बलोती माए बेहोश मैंने लिपट के लाशों से कह रही है प्यारे भैया आगे थे गुजार से मुर्ता ये सुर्खियों इनकलाबी शौर की तर्जुमान जम्मू कश्मीर पीपल्स लिबरेशन पार्टी के सुरपोश दोस्तों सबसे पहले आप कोशिश चले अपनी जद्द जारी रखेंगे। मैं इसी पे इजाजत चाहूंगा खूने जिगर देकर निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब खूने जिगर देकर निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। साहब ने जमा होकर भक्त के साम्राज्य के साथ बात की और आज का ये मजबूर जब अल्लाह ने इस मजबूर को हर सहूलत से नवाजा है वो मजदूर आज उस मजदूर को खराज तहसील पेश करने के लिए यहाँ पर उस तरह जमा नहीं हुआ जिस तरह ये रवायती जलसे और जुलूस और मुजाहरे हुआ करते हैं। यहाँ पर अगर आज किसी सामुदायिक हजूम होता है लेकिन उन मजदूर को खराज तहसील पेश करने के लिए ये मजदूर आज इस बेइज्जती का शिकार है जिसपे हमें रोना आता है और ये मजदूर आज का मजदूर अगर अभी न जाएगा तो इसका इस्तेमाल होता रहेगा। इसके मेरे से आज के इस मजदूर को मैं पैगाम भी देता हूँ कि हम अपना हक जब तक छीन के नहीं लेंगे यहाँ पर मांगने से कुछ नहीं मिलता याद में लेने के लिए हक मांगना मांगने से बेहतर है हक छीन के लो उसके लिए सर्दी पर निकलना पड़ता है मरना पड़ता है मारना पड़ता है। मैं इसी पर इतफा करूँगा हमने ये अपील करने निकला और वो सफेद झंडा लेकर निकला वो अमन का पैगाम लेकर निकला लेकिन सरमायादार तबका जो कि 18-18 घंटे ड्यूटी को जो है मुसल्लत कर देना किए रखना चाहता था और मेहनत कश तबके के औकात कार में किसी किस्म की वो कमी नहीं लाना चाहता था बल्कि वो मेहनत कश तबके को एक उजड़ती गुलाम से ज्यादा हैसियत नहीं दे रहा था तो उस वक्त सरमायादारों ने उन मेहनत कशों के उन मजदूरों के सीनों पर जब गोलियों से छल नहीं किया तो उन मेहनत कशों के खून से उनके वो परचमों का रंग जिससे दुनिया भर के 98% गरीब महरूम मजलूम और कुचले हुए तबकात का मुस्तकबिल वाबस्ता है। यही वो तहरीक है कि जिसके ज़ेर असर इनकलाबे रूस इनकलाबे चीन इनकलाबे वियतनाम इनकलाबे क्यूबा इनकलाबे शुमाली कोरिया जैसे तारीख साज वाकयात पेश आए। ये और बात है कि 90 की दहाई में आलमी साम्राज्य की साजिशों मेहनत कश तबके की तहरीकों की अंदरूनी कमजोरियों और उन हुकूमतों की अंदरूनी इज़ादात के नतीजे में वक्ती तौर पर हमारी तहरीक थोड़ी सुस्त रवि का बैन अवी मंजरनामे पे शिकार हुई है रही है तो दूसरी तरफ सरमायादार आज दुनिया भर में इंसानों को भूख गुर्बत महरूमी अफलास के सिवा कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। दुनिया करोड़ों टन गल्लास मदर में गर्क कर लेती है एक तरफ बच्चे भूख से भड़क रहे हैं अफ्रीका के अंदर एक एक माह तक लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती दूसरी तरफ खरबूज डालर हवाई जहाजों टैंकों मिसाइलों और इंसानियत को तबाह करने वाले आलातों का ये वैश्विक सरमायादार वो इन वहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये दूसरी तरफ इस दुनिया भर में आज ऐसा गली कोचे बाजार में हम इनको प्रोग्राम करते हैं। मैं इसी के साथ खत्म करना चाहूंगा। गुर्बत को कुचल देते हैं हालात तू कादर और आदल मगर तेरे जहां में तू कादर और आदल मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना दुनिया है तेरी मुंतजिर अरोज़े मकाफात चीख चीख कर कह रहा है कि वो एक तहरीक थी जो जुल्म के खिलाफ थी एक तहरीक थी जो इस्तेसाल के खिलाफ थी एक तहरीक थी
जो सरमायादारों और जागीरदारों के खिलाफ थी वो तहरीक आज भी रुकी नहीं, वो तहरीक आज भी थमी नहीं, वो तहरीक जारी है। दोस्तों आज जहां एक तरफ हम उन सदा की उन कुर्बानियों को की याद ताजा करते हैं, उनको हमारा काम उनकी उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार अल्फाज का चुनाव नहीं है, बल्कि आज का दिन हमें ये दावत फिक्र देता है कि आज से अगर 200 साल पहले इंसानियत भूखी थी, इंसानियत गुर्बत का शिकार थी, अगर इंसानियत बीमारी से लाचार थी तो उस वक्त शायद अद्वियात की कमी थी, उस वक्त शायद अनाज की कमी थी। आज का ऐद जो इस्तेफाल जी का ऐद है उसके अंदर अनाज के अंबार है और दूसरी तरफ फाका कशी है। आज के ऐद में जो अद्वियात के अंबार है और दूसरी तरफ इंसानियत बिलक बिलक कर सिसर सिसर कर जानते हैं कर मजबूर है। आज के ऐद में जो टेक्सटाइल मिले हजारों कपड़ा सारे में जाया करती है, इंसानियत नंगी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे कामरेड साथियों, इसकी वजह सरमायादार इंसान की नाकामी है, सरमायादार इंसान की नाकामी है और सरमायादार इंसान की पसीदगी है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि यह सरमायादार इंसान आज खुद नहीं बनाएगा, इसको मारने के लिए एक जरूरत की जरूरत है और जरूरत के लिए नजरियात की जरूरत होती है। इस निजाम को समझना होता है और इसको घाट फेंकने के लिए एक दूसरा कारण लायबल की जरूरत होती है। आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक आप सब पे आया है। आज ही के दिन 1 मई 1886 को अमेरिका की रियासत शिकागो के अंदर अपना हक मांगने की खातर मजदूरों को गोलियों के से शहीद कर दिया गया था और वो मजदूर जो सफेद परचम लेकर निकले थे उन्होंने अपने उस सफेद परचम को अपने खून से सुरख करके ये साबित किया था कि हक मांगने वाले कभी मरा नहीं करते, वो अमर होते हैं और उनकी तहरीकें उस वक्त तक चलती हैं, उस वक्त तक जिंदा रहती हैं जब तक उनके आने वाली नस्लों को हक नहीं मिल जाता। दोस्तों और साथियों, आज का मजदूर क्यों सोया हुआ है, जिस उठने का मुकाम है, इसलिए कि जो मजदूर टेक्सटाइल मिल के अंदर काम कर रहा है वो खूबसूरत कपड़ा बनाकर बाहर ला रहा है, लेकिन उसका बच्चा वो खूबसूरत कपड़ा पहनने से मजबूर है। जो मजदूर स्टील मिल के अंदर काम कर रहा है उसका घर उजाड़ है, जो मजदूर बिल्डिंगों के लिए सीमेंट और सरिया बना रहा है वो मजदूर झोपड़ियों के अंदर रह रहा है। इसलिए आज के मजदूर को जागना होगा, नज़्म होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, तभी यह सुर्ख इंकलाब आएगा, उसे अपना अपना हक मिलेगा। होने की वजह से बहुत सारे दोस्तों को स्टेज पे नहीं बुला सका, उनसे माजरत। इसके बाद मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के मरकजी तर्जमान हबीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्याल का इजहार करें। राज ये पा लिया है अफलास के मारों में जालिब, राज ये पा लिया। लोगों की कुर्बानी और शहादत को 127 साल गुजर गए हैं और ये वो मजदूर थे जिन्होंने अपने हुकूमत के लिए जदोजहद की और जुर्म की पादाश में उन्हें कत्ल कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया और मरने से पहले भी उन्होंने कहा था कि हमें तुम मार सकते हो, हमें कैद कर सकते हो, हमारे नजरियात को फतह हासिल होगी और हमारे नजरियात जीतेंगे और उन नजरियात को तुम कत्ल नहीं कर सकते। आज 127 साल के बाद दुनिया भर के मजदूरों ने यह साबित किया कि वो सरमायादारी के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ और हर तरह की गुलामी के खिलाफ महरूम लोगों की जंग है, तो इस जंग में हम भी शामिल हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी
जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी कश्मीर के इस खत्ते में उस आलमी जंग में एक मोर्चे के तौर पर यहाँ के जालिम और जाबिर पुरुषों के खिलाफ बरसरे पैकार है, लड़ाई में शामिल है, अपने तबके की वफादार है, मजलूमों की ताजी और साथी है और उसके लिए उस लड़ाई में अगवान का किरदार अदा कर रही है, एक हवाले का किरदार अदा कर रही है, एक रवायत के तौर पर चल रही है कि हम शिकागो के मजदूरों के वारिस हैं, हम शिकागो के मजदूरों की जगह और उनकी कुर्बानी के वारिस हैं। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी इसकी तसीबत ज्यादा जिंदगा में जिंदगी गुजारने वाले लोगों की नुमाइंदगी करते हुए एक सिपाही के तौर पर, एक मुजाहिद के तौर पर, एक बहादुर सियासी कारकुन के तौर पर, एक इनकलाबी के तौर पर और एक मजदूर के तौर पर इन हुक्मरान तबकों के सामने खड़ी है, उनको चैलेंज कर रही है, मुजाहमत कर रही है, उनकी हर पॉलिसी को रद्द कर रही है जो यहाँ के अवाम के खिलाफ है, जो यहाँ के लोगों की आजादी के खिलाफ है, जो यहाँ के लोगों के हकूक के खिलाफ है, उन तमाम पॉलिसियों को जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी रद्द कर रही है। और उसका मुजाहरा आज आपने जिस डिसिप्लिन के साथ, आज आपने जिस मुनज़्ज़म होकर इस पूरे शहर में शिकागो के शुहदा को मार्च करके खराजे और उनको सलाम पेश किया है, उनकी बरकरी को तस्लीम किया है और तारीख में उनके उनके नाम को मजीद बुलंद किया है। ये इस खत्ते में ये किराए कुमार और ये जो क्रेडिट है ये भी जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी को जाता है कि जब सब सो रहे होते हैं, जब सब मसलहतों का शिकार होते हैं, जब सब हुक्मरान तबकों के साथ जुड़े हुए होते हैं, उस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यहाँ के मेहनतों के साथ खड़े होकर, यहाँ के मजदूरों के साथ खड़े होकर जालिमों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होती है। चूंकि ये तारीख का फरीजा है जो जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी अदा कर रही है। मैं आज ये भी एक बात कहना चाहता हूँ, बेशुमार लोग में बहुत सारे हर चौक में एक सुर्ख झंडा लेके खड़ा हो जाने का मतलब इनकलाबी होना नहीं होता, तबकती जदोजहद का सवाल नहीं होता। वो बहुत सरकार उसी तरह के झंडे लेकर चौकों में खड़े होने से जदोजहद नहीं होती। जदोजहद का ये तरीका है कि जब मजलूमों की औलाद जब खड़ी होती है, बाहर निकलती है, वो चैलेंज करती है, वो हुक्मरानों की हर पॉलिसी को चैलेंज करती है। ये मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हुए ये गूंगे पहले अंधे जो सुन भी नहीं सकते, ये जो देख भी नहीं सकते, जो सोच भी नहीं सकते, जिनको आपने आजाद कश्मीर का वजीर आजम और सदर बना रखा है, इन मजदूरों के हकूक के लिए भी हम लोग ऐलान करती है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी अपने तबके की वफादार होगी, मजलूमों की वफादार होगी, उनके लिए लड़ेगी और उस इंकलाब को बर्पा करने की कोशिश करेगी, जदोजहद करेगी। वो इंकलाब जो दुनिया भर के मेहनत कश का इंकलाब है, वो इंकलाब जो मजलूमों को आजादी देगा, जो गुलामों को आजादी से इंकार करेगा, जो बेघर को घर मुहैया करेगा, जो बेलिबास है उसको लिबास मुहैया करेगा, जिसको तालीम नहीं उसको तालीम मुयसर होगी, जिसका इलाज मुयसर नहीं उसको इलाज मुयसर होगा। हम उस माशरे के लिए जदोजहद कर रहे हैं और ये वो इंकलाब है कि माशरे को नीचे से लेकर ऊपर तक मुकम्मल तब्दील करके हम एक नया इंसान तख्लीक करेंगे, हम एक नया माशरा कायम करेंगे। अरे माशरा